जाए कैसे कैसे जिया जाए तुम बिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा हनीफ और मैं आज आई हूँ सेंटोरस मॉल में कॉमन सेंस के सवाल लेके। चलूँगी जाऊँगी लोगों के पास और जानूँगी उनके जवाब, लेकिन पहले मैं सवाल आपको बताती चलूँ। और मेरा सवाल ये है कि इंडिया में मर्द चावल ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मर्द, क्यों? चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस अमजद। क्या? रिफत। रिफत। अच्छा, रिफत आपका नाम है। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, कॉमन सेंस कैसी आपकी? नॉर्मल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आमना नाम है मेरा। आमना, क्या करती हैं आप? एमएससी कर रही हूँ। और ये बच्चा आपका भाई है या? चले, शुक्र है मैंने ये नहीं बोल दिया आपका बेटा तो नहीं, मेरा भतीजा। तो मुझे बताएं आपकी कॉमन सेंस कैसी है? ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। बड़ा सोच समझ के आपने जवाब दिया कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेरोज। शेरोज, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? सीमेंट इंडस्ट्री में। अच्छा, और कॉमन सेंस कैसी है आपकी? अच्छी है, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो? अकॉर्डिंग टू मी तो ठीक है। चले, अभी मेरे सवाल के बाद पता चलेगा कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है, सही है? इंडिया में मर्द जो है वो ज़्यादा चावल खाते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मर्द, क्यों? ये तो इंडिया वालों को पता होगा। इंडिया में वहाँ चावल की पैदावार ज़्यादा है। चावल की पैदावार तो यहाँ पे भी ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में चावल जो है ना बहुत ज़्यादा वहीं पे होता है, वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कराते हैं चावल। सॉरी, पाकिस्तान में इतनी पैदावार है? पाकिस्तान में नहीं है इतनी, क्योंकि एस कम्पिटिव अभी मैंने पढ़ा था, पाकिस्तान में भी है लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा खाए जाते हैं? पाकिस्तान में खाती हैं पाकिस्तान में, जहाँ तक देखे। जितना कॉमन सेंस क्वेश्चन भी नहीं है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि वहाँ पर चावल क्यों ज़्यादा खाए? मेरा ख्याल से सब लोग ही ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे, जितने इंडिया वाले हैं ढाका में या इंडिया वाले हैं, वो जो भी शायद सस्ते हैं या पता नहीं क्या बात है, वो बहुत चावलों के शौकीन हैं। पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, पाकिस्तान वाले भी मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। हम लोगों के घरों में भी तकरीबन डेली खाना चावलों चावल होते हैं, शाम में चावल होते हैं। पर आपके ख्याल में इंडिया में ज़्यादा क्यों खाए जाते हैं? राइस लवर होंगे, और वैसे तो बंगाली खाते हैं ज़्यादा चावल, इंडिया इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है। बंगाली क्यों ज़्यादा खाते हैं? बंगाली बस वो शुरू से उन्हें जिस चीज़ का आदि किया जाए वो वही चीज़ खाते हैं फिर। कैसे पता है इंडिया वाले खाते हैं पाकिस्तान के लिए? इस सवाल में कॉमन सेंस है, जब आपका जवाब पता चलेगा आप कहेंगे ओह शिट, ये तो कॉमन सेंस वाला ही था। इंडिया के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं पाकिस्तानी कम, मर्द इंडिया के मर्द ज़्यादा खाते हैं पाकिस्तानी कम, क्यों? इंडिया में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, उनको पसंद होगी। यहाँ पर भी सबको पसंद है, हर किसी के घर रोज़ पकते हैं। वेजिटेरियन है इसलिए। वेजिटेरियन है तो वो क्या हो सकता है? इंडिया में मर्द चावल ज़्यादा खाते हैं पाकिस्तान। मेरे तो पेपर हो रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल मेरा दिमाग बंद है। इनके पेपर हो रहे हैं, इनके दिमाग बंद है, लेकिन आज ये सेंटोरस में फिरने जरूर आई हुई। ये असल में मेरी कजन आई है सियालकोट से, मुझे जबरदस्ती खींच के ले आई है। सियालकोट से आई? जी, हम सियालकोट से आए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट ईयर में। गुड, तो सवाल पे आते हैं, जवाब सोचें। नहीं, इसका भी कोई अभी तक समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के मर्द चावल नहीं खाते। इंडिया में मेरा ख्याल शायद गरीब मुल्क है इसलिए खाते हैं। आपके ख्याल में चावल सस्ते हैं? चावल अब तो महंगे होंगे, पहले सस्ते थे। ये अभी की बात करें हम, अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, मतलब इस तरह से चल रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है वहाँ पे क्यों खाते हैं ज़्यादा? वहाँ पे इसीलिए खाते हैं ना कि उनको ज़्यादा काम करने में या खांडी शांडी पकाने में ज़्यादा वो लगता है, वो कहते हैं चावल ईजी होते हैं और जल्दी पक जाते हैं इसलिए। कह दो आप ठीक रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं है। चलो फिर जो है वो आप बता दें। एक दो और केसेस हमारे घर में आपको बताऊंगी। वो मेरा ख्याल से मेरा जो देखने को है कि लोग उन्हें पसंद है, चावल उन्हें बहुत पसंद है। इन जवाबों में से कोई भी जवाब नहीं है आपका, और कोई जवाब सोचें। नहीं सॉरी, और कोई जवाब नहीं। आपने पहले ही हार मान ली? कोई माइंड क्लिक नहीं कर रहा, कोई क्या आंसर होना चाहिए। पर वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर भी पाकिस्तान से ज़्यादा ही चावल खाए जाते हैं ना वहाँ पर।
आप भी क्या? हम लोग नहीं, फिर लेडीज भी तो होंगी ना, जो लेडीज भी खाते सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया, मैंने ऐसे ही कर दिया मेंस, तो फिर इसलिए हमें आंसर नहीं मिला। इसलिए मैंने जान के बोला था कि मर्दों का बताएं। चले आपका जवाब तो गलत है, मैं आपको जवाब बता देती हूँ। हमारा जवाब ये है कि इंडिया में आबादी ज़्यादा है इसलिए। हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है, आबादी के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा चावल खाते हैं। तो आप हमें छोटा सा गाना सुना दें। गाना सुना गाने आती नहीं है, बेशक दो लाइनें सुना दें। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। थैंक यू। अभी आप कह रही थी आपकी आवाज़ नहीं अच्छी, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे सवाल का जवाब है, क्योंकि इंडिया में आबादी ज़्यादा है इसलिए इंडिया में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं।